भारतीय वायुसेना आज यानी 8 अक्टूबर को अपना 28वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर हिंडन एयरबेस पर तेजस LCA, MiG-29, जगुआर, MiG-21 और Sukhoi-30 युद्धक विमानों के अलावा हाल ही में वायुसेना में शामिल राफेल जेट विमान अपने करतब दिखाएंगे। वायुसेना के 28वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके वायुसेना के सैनिकों और उनके परिवार वालों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी ने अपनी आवाज में वायुसेना के इतिहास और उनके पराक्रम की गाथाएं सुना रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि एयर फोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। माँ भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। ऐसे में आइए देखते हैं वायुसेना के पराक्रम की कहानी पीएम मोदी के जुबानी। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन। बता दें कि ये वीडियो 1 मिनट 14 सेकंड का है जिसमें पीएम मोदी ने अपनी आवाज में बताया कि कैसे वायुसेना की शुरुआत हुई और किस तरह से आज वायुसेना 21वीं सदी की सबसे साहसी और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुका है। बता दें कि भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। 1932 में स्थापित होने वाली भारतीय वायुसेना अब तक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध में अपना लोहा मनवा चुकी है। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 28वें स्थापना दिवस पर वायुसेना को बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के जरिए भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो, भारतीय वायुसेना हमेशा राष्ट्र के आसमान की रक्षा करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।